बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रॉब्लम नंबर टू, और ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से, यानी जो कि चैप्टर आपका आईकॉम पार्ट टू का चौथा चैप्टर है उसकी प्रॉब्लम नंबर टू है। और आइए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली, अगर आपने प्रॉब्लम नंबर वन नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसकी वजह यह है कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पे वो बता दी हैं कि इनफैक्ट जो इसके अंदर जब आप क्वेश्चन जॉइंट स्टॉक कंपनी का आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनफैक्ट क्या क्या चीज़ों को देखना होता है बेसिक, और जब वो पता होंगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्वेश्चन आपके लिए करना ज़रा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें प्रॉब्लम की टाइप, मैं हर क्वेश्चन के ऊपर लिख रहा हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली ये ज़रा थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि कौन सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को देखना है, और जब वो आपको पता चल जाएंगे तो एक्चुअली माइंड क्लियर हो जाता थोड़ा सा। तो जब माइंड क्लियर होगा तो प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगी और टाइम आपका बच जाएगा। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम की जो टाइप है, इसमें तीन बातें मैं बताता हूँ हर प्रॉब्लम के अंदर, कि जब शेयर्स के हवाले से है तो आपने तीन बातों को देखना है कि शेयर जो है उसकी इशू, उसकी सब्सक्रिप्शन और उसकी अलॉटमेंट। ये तीन चीज़ें ही ओवरऑल चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए कि अगर हमने इशू किया है तो इशू आपने ये देखना है कि वो पार पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है या डिस्काउंट पे हुआ है। तो ये पार पे इशू हो रहा है। सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन में आपके पास तीन पॉइंट हैं, या तो वो फुली सब्सक्राइब हो जाते हैं, या वो ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, या वो अंडर सब्सक्रिप्शन होती है। तीन पॉइंट यहाँ पे होते हैं। और अलॉटमेंट में या तो जनरल पब्लिक होती है या जनरल पब्लिक के अलावा कोई होता है। अब वो अलावा में डायरेक्टर आ सकते हैं, प्रोमोटर्स आ सकते हैं, अंडर राइटर्स या वेंडर, ये केस जो हैं वो चार जो पार्टीज़ हैं ये इसके अंदर आ सकती हैं। अब ये क्यों इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है अलॉटमेंट का एट जनरल पब्लिक जो बताया गया है, तो जनरल पब्लिक में असल में आपको पता हो गया पिछली अगर आपने प्रॉब्लम देखी है कि उसके अंदर दो हम एंट्रीज पास करते हैं। एक एप्लीकेशंस की ये वाहिद आपके पास यानी पार्टी है जहाँ से एप्लीकेशन इनफैक्ट रिसीव होती हैं, तो बाकी कोई एप्लीकेशंस नहीं देता है। उसके लिए ये होता है कि डायरेक्टली उनको शेयर्स इशू कर दिया जाते हैं, इसलिए उनकी एप्लीकेशन की एंट्री ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एप्लीकेशन की जो है वो एंट्री वो एक पास करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन को ख़त्म करने के बाद फिर उसको डायरेक्टली जो है वो शेयर जो है उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये जनरल पब्लिक के अंदर है। और अगर तो डायरेक्टली आपका जनरल पब्लिक के अलावा आएगा तो उसमें एप्लीकेशंस की एंट्री नहीं होगी, बाकी डायरेक्टली शेयर्स उनको अलॉट हो जाएंगे। और इशू और अलॉटमेंट में फ़र्क होता है। इशू का मतलब है कि सिर्फ ऑफर की गई है, और जबकि अलॉटमेंट का मतलब है कि वाकई ही उनको शेयर्स दे दिए गए हैं, उनको सर्टिफिकेट उसका इशू कर दिया गया है, सर्टिफिकेट उनको इशू कर दिया गया है। तो जब सर्टिफिकेट उनको इशू कर दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा, तो उसका मतलब है इनफैक्ट अब यहाँ पर वो मालिक बन गए हैं उसके। तो वो अलॉटमेंट पर जो इन्वेस्टर होता है जिसने शेयर्स को बाय किया होता है वो उस वक्त असल में मालिक बनता है कंपनी का। तो तीन चीज़ें आ गई, यानी इशू हमने पार पे कर दिया, सब्सक्रिप्शन आपकी ओवर है, अलॉटमेंट आपकी जनरल पब्लिक को है। तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कहता है नोमान लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 400,000 रुपीज़। तो ये 40 लाख रुपया का उसका जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जो कि कंपनी को ऑथराइज होता है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है उसी को ऑथराइज कहते हैं। ये वो मैक्सिमम लिमिट होती है जिससे कंपनी बाहर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। वो कहता है जी अब ये तो हो गए टोटल उसके कैपिटल की अमाउंट। अब लाजमत है जो कैपिटल बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी दो चीज़ों की मल्टीप्लीकेशन से ही ये वैल्यू आती है, वो शेयर्स की तादाद और उसकी पार वैल्यू। अब इसमें वो कहता है कि 4 लाख शेयर्स हैं डिवाइडेड इनटू द 400,000 या 4 लाख आप किसे कह सकते हैं 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। 10 का 1 है, तो जब 10 का 1 है तो उसे मल्टीप्लाई करें तो यही रकम बन जाती है। इसको 10 पर डिवाइड करें तो उस तादाद आ जाती है 4 लाख, ये इस तरीके से आ जाएगा। द कंपनी इशू 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। इशू जो शेयर हुए हैं वो जनरल पब्लिक को हुए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू। फॉर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हुई है एट पार वैल्यू ऑन द 1st July 2005। ये उसकी सब्सक्रिप्शन जो हुई है ये 1st July 2005 को हुई है। टू जनरल पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट द पार ऑन द 1st July 2005। सब्सक्रिप्शन डेट वॉज फिक्स्ड एज 15th July। सब्सक्रिप्शन की जो डेट थी वो 15 जुलाई थी। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ, अगर उनको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन फॉर द 230,000 शेयर्स, यानी 230,000 शेयर्स जो है उसको एप्लीकेशन उसको रिसीव हुई है। हालांकि इशू उसने किए थे 2 लाख, और 230,000 शेयर्स की उसके पास एप्लीकेशन आ गई हैं।
अब वो कहते हैं कि शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द फर्स्ट जुलाई 31 जुलाई 2005 इस डेट पर उसने उसको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं. आल्सो शो द फिगर दैट वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. अब आपने ये बताना है कि उसकी बैलेंस शीट के अंदर फिगर्स किस तरीके से आएंगे, अमाउंट बैलेंस शीट में कैसे शो होगी. तो प्रॉब्लम आपको समझ लगी होगी, कंपनी का नाम बताया गया है, उसका ऑथराइज कैपिटल बताया गया है, उसके शेयर्स बता दिए गए हैं कि उसने इशू कितने किए हैं और किस किस डेट पर किए हैं, अलॉट कब हुए हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है वो आपने यहाँ पर बता देना है, और शेयर्स जो है उस पर अलॉट कर दिए गए हैं. Also show the figure that would appear in the balance sheet of the company. अब आ जाइए इसकी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं. अब जैसे कि डेट आपके पास ऊपर दी हुई है कि जब उसने एप्लीकेशन उसकी इशू जब हो जाता है, इशू हुए हैं आपके पास, द कंपनी जो है उसने इशू किए हैं 1 जुलाई को. अब इसमें 1 जुलाई को हुआ है तो हो सकता है 1 जुलाई को आपके एप्लीकेशन आ गई हूँ, या आप इसकी डेट कोई भी लिख सकते हो. लास्ट आप लिख दीजिए जैसे कि जिस दिन आपके पास उसकी डेट फिक्स थी, सब्सक्रिप्शन डेट 15 जुलाई, तो आप 15 जुलाई यहाँ पे लिख दें, या 15 से पहले की कोई डेट लिख दें, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनल आप यहाँ पे डेट स्टार्ट की लिख दें, या उस दिन ये जिस दिन आपको वो फाइनल आपको इसी दिन रिसीव होगी, इंटीमेशन आ गया जी आपके पूरे हो गए या ओवर सब्सक्राइब हो गए, तो उस दिन आपने एंट्री पास कर देनी है, व्हाटसएवर. या आप लास्ट की डेट लिख सकते हैं कि जिस दिन आखिरी डेट थी, तो इस डेट को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. अब एंट्री क्या होगी, क्योंकि जब पैसे आपके पास ऑब्वियसली बैंक में आए होंगे तो बैंक अकाउंट आपका बढ़ेगा, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये क्रेडिट होता है. कंपनी पर एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ कंपनी पर लायबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरह का ये पैसा लिया है, लेकिन उसके बदले में पैसा लिया है तो इसका मतलब है लाजिम बात है एसेट बढ़ेगा, और उसके बदले में अभी कंपनी ने कुछ दिया नहीं है उनको, तो जब दिया नहीं है तो इसका मतलब है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उन पर लायबिलिटी है, ये बढ़ जाएगी. तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 23,300,000, यानी 23 लाख से. तो 23 लाख से ये अब कैसे आया, 230,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं, तो इसकी पार वैल्यू कितनी थी 10, तो आपने 230,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 लाख आपका बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो 23 लाख से क्रेडिट हो गया. कहता है जी बींग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी अभी शेयर एप्लीकेशन मनी जो है वो आपको रिसीव हुई है. तो बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री होती है, एक तरफ बैंक का एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई. अब इसमें से चूंकि ओवर सब्सक्राइब्ड है, केस ओवर सब्सक्राइब है, यानी 2 लाख चाहिए कंपनी को, तो ऊपर 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, वो कंपनी क्या करेगी, वापस कर देगी. तो 30,000 जिस अमाउंट से लिए हैं पैसे, उसी अमाउंट से वो वापस करेगा, पैसे भी पार पे आ रहे हैं यहाँ पे. तो 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख, तो 3 लाख कंपनी वापस कर देगी. तो ये पहले वाली जो एंट्री है यही रिवर्स हो जाएगी, जब पैसे आए थे तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था, अब जब रिटर्न किए हैं तो बैंक कम हो जाएगा, और शेयर एप्लीकेशन आप पर लाइबिलिटी थी कम हो जाएगी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ये लास्ट डे पर जब उसकी है उसी के अंदर आप उसको वापस कर देंगे. और उसके बाद 2005 जुलाई 31 को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपके पास, अब बाकी बच गया होगा 2 लाख, क्योंकि 2 लाख 23 लाख था, 23 लाख में से 3 लाख तो वापस हो गए, तो पीछे आपकी एप्लीकेशन में जो रकम पड़ी हुई है वो 20 लाख की ही है. तो ये अब हम क्या करेंगे कि इसको हम शेयर इशू कर देंगे 20 लाख के, 2 मिलियन के जो शेयर्स हैं इशू करेंगे. तो इसका मतलब है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल ही क्रेडिट होता है. जब इन्वेस्टमेंट को मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, कैपिटल. तो यहाँ पे चूँकि शेयर्स की वजह से आ रहा है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट. तो बीइंग 200,000 शेयर्स अलॉटेड टू द पब्लिक एट द पावर ऑफ ₹10 ईच, 10 का एक है इस पर आपने उसको शेयर्स दे दिए. तो ये आपके पास यहाँ पे एंट्री हो जाएगी. तो ये आपको समझ लगी होगी, इसमें जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन में एक एंट्री और आती है जो कि पैसे वापस रिटर्न करने की होती है. तो जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा होंगे आप उसको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, दैट सिंपल. अब आ जाइए इसकी बैलेंस शीट के ऊपर. तो सबसे पहले बिजनेस का नाम होता है, वो है नुमान लिमिटेड. तो आप यहाँ सबसे पहले नुमान लिमिटेड लिख देंगे, उसके बाद बैलेंस शीट इसकी जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट, और एज एट 31 जुलाई 2005 जो लास्ट डेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. एक तरफ एसेट्स, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज एंड शेयर कैपिटल, इसका मैंने फॉर्मेट पहले बताया हुआ है. आपने एसेट्स इस तरफ जो है वो जो भी आएंगे, अब यहाँ पे और तो हमारे पास कोई है नहीं, बैंक है. तो बैंक में अब आप यहाँ पे देखो ये 20 लाख कहाँ से आया है, बैंक में था 23 लाख रुपया, उसमें से 3 लाख वापस कर दिया, तो पीछे बच गया ना 20 लाख. तो वो 20 लाख जो है वो यहाँ पे 2 मिलियन ये यहाँ पे अमाउंट बैंक अकाउंट में आ जाएगी. दूसरी तरफ क्रेडिट साइड पर अगर आप देखें तो उसमें यही लिस्ट होती है, मैंने आपको कहा था कि ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल. तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसको यहाँ पे लिख देंगे, और वो है आपके पास 4 लाख शेयर्स हैं और 10 का एक है, तो ये बन गया 40 लाख
ऑथराइज्ड, ये किसी में ना ऐड होता है ना लेस होता है, ना ही ऑथराइज की कोई एंट्री है ना इशूड की कोई एंट्री है, इन दोनों की एंट्री नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ बैलेंस शीट में शो होते हैं, लेकिन ना ये किसी में ऐड होते हैं ना किसी से सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये बात भी पहले मैंने बताई हुई है, इसको दोबारा सुन लें। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कोई एंट्री नहीं होती इसकी, इशूड की कोई एंट्री नहीं है, ऑथराइज की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इनको जो है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, सबसे टॉप पे ऑथराइज, उसके नीचे इशू और उसके नीचे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, और इन चारों पर डिटेल में मैंने वीडियो पहले पोस्ट की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपके बारे में डिटेल चाहिए तो। अब इशूड जो कैपिटल आपके पास है वो है 2 लाख यहाँ पे शेयर्स, और 10 का एक है, तो 2 लाख इशू किए थे, अब यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख ही इशू किए हैं, सब्सक्राइब जो हैं वो 23 लाख हुए हैं, जिसमें से 3 जो थे ऊपर के वो वापस कर दिए गए, तो उसके लिए फिर आपके पास इशूड कितना है कंपनी का, इशूड कैपिटल 2 लाख ही था, तो सब्सक्राइब हुआ जो है वो 23 ही है 23 के हिसाब से, लेकिन ऊपर के जो है वो चूंकि वापस कर दिए तो वो हमारे सब्सक्राइब्ड में नहीं आएंगे, क्योंकि जो रिटर्न कर दिया है तो वो आपका इतना ही बाकी बचेगा, तो इसलिए बाज़ दफ़ा बुक्स में जो है वो इशूड सब्सक्राइब पेड अप एक साथ लिख दिया जाता है, तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसलिए अलग बना लें क्योंकि अगर तो इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट वेरी कर जाती है, जैसे कि अंडर सब्सक्रिप्शन केस आता है तो फिर तो तीनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे, तो इट्स बेटर कि आपको बाद में जो अलग करना है तो आप शुरू से उनको अलग अलग लिखो, कि सबसे पहले टॉप पे ऑथराइज्ड, फिर उसके बाद इशूड और उसके बाद सब्सक्राइब, लिखने का तरीका बहुत आसान है, शेयर्स की तादाद लिखनी है और एट द रेट ऑफ रुपीज़ जितने का वो होगा, यानी अगर यहाँ पे जैसे 4 लाख हैं तो 10 का एक है तो वो लिखती और आगे रकम लिखती, उसके बाद 2 लाख शेयर्स हैं और 10 का एक है वो रकम लिखती, उसके बाद सब्सक्राइब हैं तो आपके पास 2 लाख शेयर्स हैं 10 का एक है तो ये रकम लिखती, और दोनों साइड पर अगर आप इसको करें तो आपके पास ये 20 लाख और 20 लाख ये इस तरफ आ जाएगा और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, दोनों साइड है इक्वल है, तो ये है इसकी बैलेंस शीट। उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ लगी होगी आपको, अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम इशू है तो वो आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, और ताकि उसका फिर हम आंसर अकॉर्डिंगली दे पाएंगे। तो बस ये थी वीडियो, अगर आपको लगी अच्छी तो उसको आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी लगी तो करें ज़रूर डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।